हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। दोस्तों, हम बचपन से पुनर्जन्म के किस्से कहानियां सुनते आ रहे हैं। क्या पुनर्जन्म सच में संभव है या बस एक काल्पनिक घटना? अगर सच है तो कैसे? क्या इंसान के मरने के बाद आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है? ऐसे कई सवाल हमारे मन में उठते हैं, पर आज तक इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया। क्या आज के विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो इस बात का पता लगा सकता है कि पुनर्जन्म वास्तव में संभव है? आज मैं एक ऐसी ही फिल्म को लेकर आया हूँ जिसमें हमें विज्ञान से लेकर अध्यात्म तक का एक खूबसूरत सफर देखने मिलने वाला है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हर इंसान की आंखें एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है, यहाँ तक कि पूरे यूनिवर्स में। हम कंप्यूटर के सामने एक शख्स को बैठा हुआ देखते हैं। उसका नाम डॉक्टर इयान ग्रे है। वो एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट है, यानी एक साइंटिस्ट। इयान आई एवोल्यूशन पर रिसर्च कर रहा है, जानवरों की देखने की क्षमता, अब तक उनमें किस तरह का विकास और बदलाव आ रहा है। यहाँ से हम देखते हैं इयान अपनी कहानी बताना शुरू करता है। एक ऐसी आंखें जिसने इयान की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। इस कहानी की शुरुआत 8 साल पहले न्यूयॉर्क शहर से होती है, जब इयान की उम्र सिर्फ 26 साल थी और इयान एक पीएचडी स्टूडेंट था। उस दिन हैलोवीन की रात थी। इयान एक पार्टी में गया था। इयान को पार्टी में कोई खास दिलचस्पी नहीं होती। वो बाहर आ जाता है, तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जिसने फेस पर एक काला कलर का मास्क पहना हुआ था। वो भी इयान की ही तरफ देख रही थी। इयान उसके पास जाता है। वो पूछता है, क्या सब ठीक है? वो बताती है कि मैं बस चांद को देख रही थी। इयान देखता है उसकी आंखें काफी यूनिक है और साथ ही बेहद खूबसूरत। वो उस लड़की से उसकी आंखों की तस्वीर लेने की इजाजत मांगता है। वो मान जाती है। इयान उसके दोनों आंखों की तस्वीर निकालता है। उसके बाद उन दोनों में काफी बातें होती हैं। फिर वो लड़की इयान को सेड्यूस करने लगती है। वो इयान को साथ लेकर पार्टी में चली जाती है। वहाँ वॉशरूम में दोनों इंटीमेट होते हैं। इयान उससे पूछता है, सुबह तुम्हें इस बारे में सोच के पछतावा तो नहीं होगा? ये सुनते ही वो लड़की वहाँ से उठकर चली जाती है। इयान बाहर आता है। वो उस लड़की को हर जगह ढूंढता है, पर वो इयान को नहीं मिलती। सुबह हम देखते हैं इयान एक बायोकेमिस्ट्री लैब में काम करता है, जहाँ वो एवोल्यूशन ऑफ आई पर रिसर्च कर रहा है। वहाँ इयान का रिसर्च पार्टनर केनी है और वहाँ एक लड़की है, उसका नाम कैरन है, जिसने आज ही एज अ लैब असिस्टेंट ज्वाइन किया है। हम देखते हैं इयान माइस की आंखों पर रिसर्च कर रहा है कि एक माइस की आंखें किस तरह से काम करती है। जैसा कि सब जानते हैं, माइस कलर ब्लाइंड होते हैं, उन्हें रेड कलर नहीं दिखाई देता। इयान कैरन को ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाता है। कैरन फर्स्ट ईयर लैब असिस्टेंट थी, तो उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। कैरन इयान के इस तकनीक से काफी इम्प्रेस हो जाती है। रात इयान उस लड़की की आंखों की तस्वीर अपने कैमरे में देखता है। इयान कैनी से उस लड़की के बारे में बताता है। इयान ने अभी तक उस लड़की का चेहरा तक नहीं देखा था, उसे बस उसकी आंखें भर याद थी। सुबह इयान एक स्टोर में जाता है, वहाँ कोई सामान परचेज करता है। उसका बिल $11 का बनता है और इयान के जेब से भी $11 ही निकलते हैं। वो बाहर आता है। अचानक से उसे एक एनर्जी महसूस होती है, ये यूनिवर्स उससे कुछ कहना चाहता है। वो अपने बिल में देखता है, आज की डेट 11 है और महीना भी 11 है और वक्त भी 11 हुआ है। उसे हर जगह ये 11 नंबर दिखने लगता है। इयान के सामने एक बस आके रुकती है। उस बस का नंबर भी 11 था। इयान इस इशारे को एक पॉजिटिव वे में लेता है और उस बस में चढ़ जाता है। इयान को कुछ समझ नहीं आता उसे कहाँ जाना है। तभी बस में एक डॉग इयान पर भौंकने लगता है और बस रुक जाती है। इयान नीचे उतर जाता है और वो पीछे मुड़कर देखता है, सामने एक बिल बोर्ड है जिस पर उसी लड़की की आंखों की तस्वीर लगी है। उसे पता चल जाता है कि ये उसी लड़की की आंखें हैं जिससे वो उस रात मिला था। इयान लैब में आकर उस एड को सर्च करता है। उसे पता चलता है उस लड़की का नाम सोफी है और वो एक मॉडल है। इयान दूसरे दिन ट्रेन में बैठा होता है। वो सामने देखता है एक लड़की बैठी है। वो लड़की कोई और नहीं, सोफी थी। इयान उसके पास जाकर बैठ जाता है। दोनों कुछ बात नहीं करते। सोफी गेट पर जाकर खड़ी होती है। इयान उसके कान पर हेडफोन लगा देता है और वो दोनों बाहर आ जाते हैं। फिर दोनों किस करते हैं। इयान के पूछने पर सोफी बताती है कि उसका जन्म अर्जेंटीना में हुआ था और 11 साल की उम्र में वो अपनी दादी के साथ फ्रांस आ गई थी। इयान जब सोफी से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है तो वो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। इयान पूछता है, तुम उस रात मेरे साथ क्यों सोई थी? सोफी बताती है कि वो काफी वक्त से अकेली थी और जब उसने इयान को देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे
वो उसे बहुत पहले से जानती है, शायद पिछले जन्म से। इयान मुस्कुराता है और बताता है, मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मैं बस फैक्ट और डेटा में यकीन रखता हूँ। सोफी के पूछने पर इयान बताता है कि वो एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट है और ह्यूमन आई एवोल्यूशन यानी कि आँखों की संरचना पर रिसर्च कर रहा है। इयान बताता है कि धार्मिक लोगों का मानना है कि आँख सबसे इंटेलिजेंट डिजाइनर की बनावट है यानी भगवान की, और मैं इस बात को अपने रिसर्च और फैक्ट से झूठा साबित कर दूंगा। सोफी कहती है, तुम भगवान को झूठा साबित करने में इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? इयान उसके जवाब में कहता है, भगवान है ये किसने साबित किया है अभी तक? इयान सोफी को अपने घर लेकर आता है, वहाँ वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी समय बिताते हैं। आगे हम इयान और सोफी को एक पार्क में देखते हैं, वहाँ वो एक सफेद मोर को देखते हैं। सोफी कहती है, भारतीय संस्कृति में सफेद मोर को आत्मा का प्रतीक माना जाता है। इयान कहता है, इसके सेल्स में मेलानिन और पिगमेंट की भारी कमी है, इसीलिए इसका रंग सफेद है और कुछ नहीं। इयान और सोफी दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग छोर पर थे। जहाँ सोफी अध्यात्म और भगवान में यकीन करती थी, वहीं इयान बस साइंस और फैक्ट्स में यकीन करता था। हम दूसरे दिन देखते हैं, इयान अपना सामान सोफी के घर में शिफ्ट कर लेता है, अब से वो वहीं रहेगा। सोफी इयान को घर में रखी अपने माता पिता की तस्वीर दिखाती है, फिर वो इयान को घर में लगी एंजल ऑफ द रेजरेक्शन की तस्वीर दिखाती है। सोफी बताती है, ये तस्वीर प्रूफ है स्पिरिट वर्ल्ड की। सोफी कहती है, इस तस्वीर की आंखों में देखकर लगता है ये अभी भी जिंदा है। पर इयान कहता है, आज के इस एडवांस टाइम में ऐसी तस्वीर फोटोशॉप से कोई भी बना सकता है। पर इस बात पर सोफी कहती है, इसमें कोई फोटोशॉप नहीं है, एक बार इसकी आंखों में देखो। पर इयान वहां से चला जाता है। सोफी के घर में हम भगवान गणेश की मूर्ति देखते हैं। जैसा कि हमें पता है, सोफी भारतीय संस्कृति से काफी ज्यादा प्रभावित है, इसीलिए उसने अपने घर में भी एक सफेद मोर की तस्वीर लगा रखी है। दूसरे दिन हम लैब में देखते हैं, कैरन इयान के ही रिसर्च पर काम कर रही है। वो दोनों मिलकर आई ओरिजिन का पता लगा रहे हैं। इयान को लगता है कि अगर उसे ओरिजिन का पता चल गया तो वो ये साबित कर सकता है, इंसान की आंखें एक विकास का हिस्सा है, न कि किसी भगवान की बनावट। रात इयान सोफी से शादी करने के लिए कहता है, सोफी मान जाती है। सुबह वो दोनों मैरिज कोर्ट पहुंच जाते हैं। वहां वो शख्स उन्हें बताता है कि पहले तुम्हें मैरिज लाइसेंस लेना होगा, जिसके लिए तुम दोनों को 24 घंटों का इंतजार करना होगा। इस बात से सोफी सैड हो जाती है। दोनों बाहर आ जाते हैं। सोफी बताती है कि हमारी शादी स्पिरिट वर्ल्ड में हो चुकी है, हम एक दिन का इंतजार कर लेंगे। तभी इयान को लैब से कैरन का फोन आता है। कैरन उसे बताती है कि हम जिस रिसर्च पर काम कर रहे थे वो सफल हो गया है। उन्हें वो कीड़ा मिल गया है, आइजेनिया फैटिडा, जिसकी आंखें भी नहीं है, और उसके डीएनए में पैक 6 जीन भी है, जिसकी मदद से वो उसे आंखें दे सकते हैं। इयान इस बात से काफी खुश हो जाता है। इयान सोफी को लैब साथ चलने के लिए कहता है, पर सोफी मना करती है। सोफी कहती है, आज हमारी शादी का दिन है। इयान कहता है, हम एक दूसरे को अभी रिंग पहना देते हैं। पर सोफी कहती है, ऐसा करना बैड लक होता है। पर फिर से इयान अपने साइंटिफिक थ्योरी के जरिए सोफी को कन्विंस कर लेता है और दोनों साथ लैब चले जाते हैं। इयान सोफी और कैरन को इंट्रोड्यूस करवाता है। दोनों अपने एक्सपेरिमेंट को लेकर काफी खुश थे, पर सोफी खुश नहीं थी, क्योंकि वो आध्यात्मिक लड़की थी। उसे लगता था, प्रकृति की बनाई हुई चीजों के साथ छेड़छाड़ करना भगवान के खिलाफ जाने जैसा है। कैरन देखती है सोफी काफी चुपचाप बैठी है। उसे लगता है दोनों को थोड़ा वक्त देना चाहिए। कैरन वहां से चली जाती है। इयान सोफी को इस तरह से देखता है। उसके पूछने पर सोफी पूछती है, क्या तुम इन जानवरों को रोज इसी तरह से टॉर्चर करते हो? इयान कहता है, मैं इन्हें टॉर्चर नहीं करता, बल्कि इन्हें जेनेटिकली रीडिजाइन कर रहा हूँ। इयान कहता है, मैं इन कीड़ों को आंखें दूंगा ताकि ये देख सके। सोफी कहती है, ये प्रकृति के खिलाफ है और भगवान के साथ खेलना खतरनाक हो सकता है। ये सभी जीव भगवान की बनावटें हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता। एक बार फिर से इयान अपनी साइंटिफिक थ्योरी और फैक्ट सोफी के सामने रख देता है और कहता है, कोई भगवान नहीं है। इयान सोफी के पास आता है, तभी उसके हाथ से लगकर इयान की आंखों में फॉर्मल्डिहाइड लिक्विड चला जाता है, जिससे उसकी आंखें जलने लगती हैं। इयान सोफी को कैरन को फोन करके बुलाने के लिए कहता है। कैरन आकर इयान की आंखें चेक करती है, पर इयान अब ठीक था। कैरन उसकी आंखों पर टेप लगा देती है ताकि उसकी आंखों को आराम मिले। सोफी इयान के साथ अपने बिल्डिंग के एलिवेटर में होती है। एलिवेटर अचानक से रुक जाता है। एलिवेटर का एक वायर टूट जाता है, जिससे सोफी डरकर बैठ जाती है। इयान देखता है एलिवेटर में थोड़ा सा गैप है, जिससे वो फ्लोर पर निकल सकता है।
यान फ्लोर पर जाता है और सोफी को ऊपर की तरफ खींचता है। तभी एलिवेटर तेजी से नीचे जाने लगता है और सोफी का आधा शरीर का हिस्सा कट जाता है और सोफी की डेथ हो जाती है। यान रोने लगता है और जैसा कि सोफी ने यान से कहा था कि मरने के बाद उसे दफनाना मत जला देना, यान सोफी की अस्थियों को एंजल ऑफ द रेजरेक्शन स्टैचू के सामने समर्पित कर देता है। सोफी के जाने के बाद यान ड्रग लेने लगा था और उसे सोफी के घर से निकले भी काफी वक्त हो गया था। बस वो दिन भर सोफी की ही यादों में खोया रहता था। एक दिन कैरन उसे कॉल करती है और वो बताती है कि वो उसके घर पर आ रही है, उसके लिए सरप्राइज है। कैरन उसे वही कीड़ा दिखाती है जिसकी आंखें आ गई थी और उनका एक्सपेरिमेंट सफल हो गया था। यान सोफी को याद करके इमोशनल हो जाता है। कैरन उसे गले लगाती है। यान रोने लगता है। सोफी के जाने के बाद से वो इतना खुलकर कभी नहीं रोया था। फिर वो कैरन की तरफ देखता है और दोनों किस करते हैं। कैरन पहली मुलाकात से ही यान को लाइक करती थी पर कभी कह नहीं पाई। उसके बाद से हमें 7 साल के बाद का वक्त दिखाया जाता है। हम देखते हैं कैनी और कैरन स्टूडियो में साथ बैठे हैं और वो यान का लाइव इंटरव्यू देख रहे हैं जिसमें उसने उस जीव को आंखें देकर भगवान को झूठा साबित कर दिया है और यान ने उस पर एक किताब भी लिखी है, द कंप्लीट आई। हम देखते हैं यान और कैरन की शादी बहुत पहले ही हो चुकी है और कैरन प्रेग्नेंट है। रात एक होटल में तीनों डिनर पर बैठे होते हैं। वहाँ उस वेट्रेस के परफ्यूम की स्मेल से यान को सोफी की याद आ जाती है। सुबह यान एक स्टोर में जाता है और वहाँ वो वही परफ्यूम देखता है जो सोफी यूज करती थी। यान उसे घर लेकर आता है और परफ्यूम को हवा में स्प्रे करता है और लैपटॉप पर सोफी की तस्वीर देखता है। वो खुशबू और सोफी की तस्वीर यान को सेड्यूस करने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कैरन ने एक लड़के को जन्म दिया है, उसका नाम वो टोबायस रखते हैं। नर्स टोबायस की आंखें आयरिस स्कैन करती है। आयरिस स्कैन एक ऐसा प्रोग्राम है जहां आपकी आंखों का बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन लिया जाता है। सिस्टम में सेम बायोमेट्रिक रिजल्ट आता है किसी पॉल एडगर डेरी नाम के शख्स का। यान कहता है दो लोगों के सेम बायोमेट्रिक कैसे हो सकती हैं? टोबायस तो अभी अभी पैदा हुआ है, पर वो इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। उन्हें लगता है सिस्टम में कोई एरर है और टोबायस का नया रजिस्ट्रेशन करते हैं। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं यान को एक कॉल आता है। वो कॉल ग्रीनविक हॉस्पिटल से डॉक्टर सीमंस ने किया था। वो कहती है कि उन्हें टोबायस पर एक छोटा सा टेस्ट करना है। हम देखते हैं कैरन और यान हॉस्पिटल में हैं और टोबायस पर एक टेस्ट किया जा रहा है। टोबायस के सामने दो तस्वीर लगाई जाती हैं। उसमें दो डॉग्स की तस्वीर दिखाई जाती है और एक फार्म और डिनर रेस्टोरेंट दिखाया जाता है और लास्ट में दो महिलाओं की जिसमें से एक अफ्रीकन महिला होती है, उसे देख के टोबायस रोने लगता है। फिर वो टोबायस को देख कर घर चले जाते हैं पर डॉक्टर उन्हें कुछ नहीं बताती कि वो टेस्ट क्या था। रात दोनों काफी सोचने के बाद उस डाइनर का नाम इंटरनेट पर सर्च करते हैं। वो जगह इडाहो में थी। दूसरे दिन यान प्लेन से इडाहो चला जाता है। वहाँ वो उस डाइनर पर जाता है। वहाँ डाइनर पर वो उस महिला को बताता है कि मैं यहाँ नया हूँ, क्या यहाँ आसपास कोई अच्छी जगह है। वो महिला बताती है कि यहाँ पास में ही एक डेयरी फार्म है जो काफी फेमस है। यान उस डेयरी की तरफ बढ़ने लगता है पर उसके मन में अभी भी कई सवाल उठ रहे थे। यान उस फार्म तक पहुंच जाता है। वहां उसे एक लड़की मिलती है। यान के पूछने पर वो बताती है कि मेरा नाम जूली डेरी है और ये फार्म मेरा ही है। यान उससे पूछता है क्या तुम पॉल एडगर डेरी को जानती हो। वो बताती है कि पॉल उसके पिता हैं। वहां यान को पता चलता है कि पॉल की डेथ हुए काफी वक्त गुजर गया है। यान वहां वही डॉग देखता है जो उस दिन उसने हॉस्पिटल की तस्वीर में देखा था और टोबायस जिस महिला को देखकर रो रहा था वो पॉल की वाइफ थी। घर पर यान और कैरन केनी के साथ बैठे होते हैं। कैरन कहती है ये कैसे पॉसिबल है। टोबायस और पॉल दोनों की आंखों के कलर अलग हैं, पर केनी बताता है कि आयरिस बायोमेट्रिक कलर पर काम नहीं करता, वो आंखों के पैटर्न और टेक्सचर पर काम करता है। पर केनी को कुछ समझ नहीं आता कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। कैरन बताती है कुछ दिन पहले डॉक्टर सीमंस ने टोबायस पर एक टेस्ट किया था पर उसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया था। कैरन बताती है वो टेस्ट आयरिस स्कैन से जुड़ा हुआ है। केनी बताता है कि आयरिस बायोमेट्रिक का पेटेंट उसकी कंपनी के पास है और उसका एक्सेस सिर्फ 5 लोगों के पास है जिसमें से एक डॉक्टर सीमंस है। यान केनी को सोफी की आंखें स्कैन करने के लिए कहता है। केनी जैसे ही आंखें स्कैन करता है उसमें सोफी का नाम ही रजिस्टर्ड आता है और पता चलता है कि सोफी का बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन 3 महीने पहले दिल्ली इंडिया में हुआ है। यान ये देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि सोफी को मरे हुए 7 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है
उसके बाद इयान काफी उदास हो जाता है। रात कैरन इयान से कहती है कि उसे इंडिया जाना चाहिए, पर इयान कहता है मैं नहीं जा सकता। कैरन कहती है पर वहाँ कोई है जिसकी आंखें सोफी से मिलती हैं। कैरन बताती है कि अगर इंसान की आंखें मैच हो सकती हैं, तो उनके दिमाग में भी कोई न्यूरोलॉजिकल लिंक होगा, जैसे कि कोई पुरानी यादें। यहाँ कैरन आत्मा की बातें करती है। ये सुनकर इयान उस पे गुस्सा हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, इयान सिर्फ फैक्ट्स में बिलीव करता है। इयान कहता है कि वो इंडिया किसी कीमत पे नहीं जा सकता, क्योंकि सोफी उससे इंडिया के संस्कृति की ही बातें किया करती थी। वो इंडिया जाकर फिर से उन्हीं यादों को नहीं ताजा करना चाहता था, पर कैरन उसे इंडिया जाने के लिए कन्विंस कर लेती है। हम देखते हैं इयान दिल्ली आ गया है। दूसरे दिन इयान उसी जगह पहुंच जाता है जहां 3 महीने पहले बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन हुआ था। उस जगह का नाम कम्युनिटी हॉल ओकला था। वहाँ वो एक लड़की से मिलता है, उसका नाम प्रिया वर्मा है। वो उस कम्युनिटी की मैनेजर थी। इयान उसे उन आंखों की तस्वीर दिखाता है और पूछता है कि ये आंखें यहाँ 3 महीने पहले स्कैन हुई थी। प्रिया उन आंखों को पहचान जाती है। प्रिया बताती है कि ये आंखें एक छोटी लड़की की है, उसका नाम सैलोमिना है, पर अभी वो लड़की कहाँ है उसे नहीं पता। इयान सैलोमिना को ढूंढने में प्रिया की मदद मांगता है। प्रिया उसे दूसरे दिन ओकला मार्केट में बुलाती है। जब प्रिया उसे उस जगह लेकर जाती है जहाँ सैलोमिना रहती है, वहाँ एक महिला बताती है कि उसके माता पिता की डेथ हो गई है और उसका कोई नहीं है। वो बेघर है, सारा दिन सड़कों पर घूमती रहती है। इयान और प्रिया वहाँ से चले जाते हैं। रात इयान कैरन को स्काइप कॉल करके सैलोमिना के बारे में बताता है। इयान को एक तरकीब सूझती है कि वो उन आंखों का एड लगवा दे, जिससे शायद सैलोमिना का पता चल जाए। दूसरे दिन इयान प्रिया के साथ बैठा होता है। प्रिया कहती है क्या तुम धार्मिक हो? इयान इस पर कहता है शायद तुम्हें मेरे बारे में थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए थी। मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मैं जरा भी धार्मिक नहीं हूँ। इयान कहता है धर्म इंसानों ने बनाया है। जो ग्रंथ हजारों साल पहले लिखे गए हैं, वो भी किसी इंसान ने ही लिखे हैं, पर फिर भी लोग उसे भगवान मानकर उसकी पूजा करते हैं। पर साइंस में बिल्कुल इसका उल्टा है। महान साइंटिस्ट ने बड़े बड़े खोज आविष्कार किए, पर आने वाली जनरेशन ने उस खोज को इम्प्रूव किया और उसमें विकास होता गया, पर ग्रंथों की मान्यता अभी भी वही की वही है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। प्रिया इयान की तरफ देखती है और कहती है तुम उस दिन क्या करोगे जब तुम्हारे जीवन में अध्यात्म प्रवेश करेगा? उस दिन क्या तुम साइंस में यकीन करना बंद कर दोगे? इस बात का इयान कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि इस सवाल का जवाब इयान के पास नहीं था। दूसरे दिन इयान उसी मार्केट में बैठा होता है और इयान की नज़र एक छोटी लड़की पर पड़ती है जो उस बिल बोर्ड को ध्यान से देख रही थी। वो लड़की सैलोमिना थी। इयान उसकी आंखें पहचान लेता है। इयान उससे इंग्लिश में बात करता है। सैलोमिना को थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी। इयान उसे होटल लेकर चला जाता है। इयान कैरन को कॉल करता है। वहाँ वो सैलोमिना का टेस्ट शुरू करते हैं। वो सैलोमिना को सोफी से रिलेटेड कुछ पिक्चर्स दिखाते हैं। उसमें से कई चीजें करेक्ट होती हैं और कुछ इनकरेक्ट। आखिरी तस्वीर वो उसे सोफी की दिखाता है। वो सोफी की तस्वीर पर उंगली रखती है, पर इयान कैरन से कहता है इससे कुछ साबित नहीं होता, शायद हम गलत थे। इयान उसे लेकर एलिवेटर की तरफ जाता है। जैसे ही एलिवेटर का दरवाजा खुलता है, सैलोमिना डर जाती है और इयान को पकड़कर रोने लगती है, और वो बार बार यही कह रही होती है मुझे नहीं जाना है। यहाँ इयान के सारे फैक्ट्स और साइंस बिलीफ चूर चूर हो जाते हैं। ये जो कुछ था इयान के बिल्कुल समझ से परे था, या साइंस के भी परे था। ये वही पल था जिसकी बात प्रिया ने इयान से की थी कि जब उसका सामना स्पिरिचुअलिटी से होगा तो वो क्या करेगा। उस वक्त भी इसका जवाब इयान के पास नहीं था और आज भी नहीं है। इयान उसकी तरफ देखता है। सैलोमिना रो रही होती है। यहाँ इयान को पता चलता है कि बहुत कुछ है जो साइंस के भी समझ से बाहर है। इयान उसे गले लगा लेता है और रोने लगता है, और उसे उठाकर सीढ़ियों से नीचे लेकर चला जाता है। सोफी की डेथ एलिवेटर से हुई थी, पर उसका ये डर इस जन्म में भी उसके साथ था, और फिल्म यही ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट लाइक करके ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।